हल्द्वानी के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र सिंह रोतेला इन दिनों नगर निगम के लंबित कार्यों के शीघ्र निपटारे में लगे हुए हैं। रोतेला स्वयं वार्डों में जाकर कार्यों का जायजा ले रहे हैं। वहीं अब इसे निकाय चुनाव नजदीक होने का साइड इफेक्ट कहें या फिर जनता के लिए समर्पित, इस बहाने लंबित कार्यों में गति आ गई है। मेयर निगम अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं और वहीं जनता दरबार लगाकर समस्याओं को सुनकर तुरंत निस्तारण भी करवा रहे हैं। देखिए, नगर निगम क्षेत्रांतर्गत लगभग सभी कार्यों को नगर निगम करता है और उसकी समीक्षा भी समय समय पर करता है। चूंकि जनहित से जुड़े हुए मसले हैं, जनहित से जुड़ी हुई विषय हैं, समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण नगर निगम अपने स्तर से करता है। जो निगम स्तर से नहीं होती, उस स्तरों पर हम प्रशासन और शासन स्तर से उन कामों को कराते हैं। और लगभग सभी कार्य, चाहे वो पेयजल पुनर्गठन के हों, चाहे सीवरेज के हों, चाहे आपके पार्क्स के हों, चाहे विद्युत हो, स्ट्रीट लाइट हो, सभी अपने अपने तरीके से गतिमान हैं। नेपाल के राजनेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान धामी ने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। इस दौरान नेपाल के नेताओं को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा की गई। धामी ने बताया कि नेपाल और भारत मित्र राष्ट्र हैं। नेपाल के प्रतिनिधिमंडल दल के साथ उत्तराखंड को लेकर विस्तृत चर्चाएं हुई हैं। भारत के विकास के साथ ही नेपाल कैसे सहभागी हो सकता है, इससे संबंधित कई योजनाओं पर भी चर्चाएं हुई। नेपाली प्रतिनिधिमंडल दल ने धामी को नेपाल के लिए भी आमंत्रित किया। हर बार हम लोग इसके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि अगली बैठक में हम क्या करने वाले हैं, कितने लोगों से हम बात करने वाले हैं। हमारे L1 और L2 जो प्राथमिक रूप से जिनके पास सबसे पहले शिकायत जाती है, उन्होंने क्या 100% लोगों से बात की है कि नहीं की है। L2 के जो लोग हैं, उसके ऊपर के जो अधिकारीगण हैं, उन्होंने 15% लोगों से बात की है कि नहीं की है। देखिए, इसको जब इसके लिए कमेटी बनाई थी, उस दिन सबसे पहले दिन मैंने कहा था कि हम उत्तराखंड में इसको लागू करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे। देखिए, इस मामले में हमने सभी से कहा है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से एरो सिटी जैसा अभी कोई प्रस्ताव भारत सरकार को नहीं गया है। उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा द्वारा गढ़वाल के लोगों पर की गई अशोभनीय टिप्पणी के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व गढ़वाल लोकसभा से प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी का बयान भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने महारा के बयान को कांग्रेस नेताओं की हताशा और निराशा का परिणाम बताया है। इस तरह के बयानबाजी करके उत्तराखंड के लोगों का अपमान कर रहे हैं। इस बयान से गढ़वाल के लोग खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। राजनीति में इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। के नेताओं को एक आदत सी पड़ गई है गाली गलौज करना, गलत शब्दों का प्रयोग करना, गढ़वाल के लोगों पर थूकने की बात करना, उत्तराखंडित पर थूकने की बात करना। सार्वजनिक मंचों से करण मेहरा जी, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका बयान सार्वजनिक मंच से, जो उनके पौड़ी लोकसभा का चुनाव लड़े हुए मनीष खंडूरी जी का बयान, ये दर्शाता है कि वो लोग उत्तराखंडित को और गढ़वाल के लोगों की वो बेइज्जती करना चाहते हैं। कोटद्वार क्षेत्र की खो में लालपुल के पास पैर फिसलने से गिरे एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से 4 युवक कोटद्वार की खो नदी में नहाने आए, जिसमें से लवी की डूबने से मौत हो गई। जिस युवक की मौत हुई है वह बिजनौर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। युवक का नदी में पैर फिसलने से नदी के तेज बहाव में वह बह गया। तेज बहाव में डूबने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद मौके पर NDRF ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कई घंटे तलाश के बाद युवक का शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसमें आज हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना आई थी लगभग 3 बजे करीब कि एक युवक जो खो नदी में नहा रहे थे लालपुल के पास, वो डूब गए हैं। तो जब पुलिस मौके पर पहुंची और SDRF भी मौके पर पहुंची,
तो उन्हें उनकी बॉडी को रिकवर किया है और फिलहाल एम्बुलेंस के माध्यम से। गदरपुर थाने में अमन कमेटी की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस का कहना है कि मुहर्रम को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शांति व्यवस्था बनाए रखने व ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श किया गया। त्यौहार है और यहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है, जो करबला में जिन्होंने शहीद हुए थे। और ये कोशिश करें हम लोग यहाँ पर जो भी प्रशासनिक अमला है, जिस तरीके से मीटिंग हुई है यहाँ पर शांति व्यवस्था वगैरह बनाने की, उसी तरीके से हम लोग शांति। देखिए, कल 29 तारीख को मुहर्रम का त्यौहार यहाँ पर मनाया जाएगा, जिसमें जगह जगह से जो ताजिए जो है निकलते हैं, तो सभी लोगों को जो है यहाँ बुला करके एक पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। हर वार्ड मेंबर यहाँ पर आए थे, चेयरमैन साहब यहाँ पर आए थे। इनको जो है पिछले विगत वर्षों में क्या क्या उसमें जो है मुहर्रम के समय में दिक्कतें हुई, उस संबंध में इनसे पूछताछ की गई। काशीपुर कोतवाली परिसर में गुरुवार को नगर के सभी वर्गों के लोगों की मुहर्रम को लेकर एक शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक अजय सिंह, सीओ वंदना वर्मा, तहसीलदार यूसुफ अली मौजूद रहे। इस दौरान मीटिंग में वार्ता करते हुए ईदगाह कमेटी के सदर हसीन खान ने कहा कि पूर्व में भी इस बार भी नगर की सफाई, बिजली की व्यवस्था, तारों को ऊंचा कराया जाए, साथ ही पानी की व्यवस्था ठीक की जाए, जगह जगह सड़कों में गड्ढे को भरवाए जाए। हसीन खान ने कहा कि मुहर्रम के ताजिए पंजाबी सराय से होकर बांसफोडान, मैन बाजार, कटोरा ताल, खालसा होते हुए करबला मैदान में पहुंचकर मेहंदी का मिलाप किया जाएगा। इस दौरान एसपी अभय सिंह ने कहा कि काशीपुर कौमी एकता का गुलदस्ता है। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक काशीपुर हमेशा रहा है, इसी प्रकार इस बार भी त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। देखिए, प्रत्येक वर्ष की बात, इस वर्ष भी मुहर्रम के त्यौहार में जो ताजिए का जुलूस निकाला जाता है, उसके संबंध में आज शांति कमेटी की मीटिंग की गई थी। इसमें जो विभिन्न विभाग हमारे, वो चाहे PWD हो, हमारा नगर निगम, बिजली विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसकी बैठक रखी गई थी। एसपी साहब, सीओ साहब और कोतवाल साहब को अपनी जो रोड की समस्या है, जो व्यवस्था है, उसके बारे में बात किया गया है। उन्हें बताया गया है, क्योंकि हमारा कल नवमी का मिलन, मेहंदी का मिलन का प्रोग्राम है, जिसमें एक हिस्सा बांसपुरान में कोतवा मजरे में पंजाबी सराय में जाके रुकेगा, दूसरा हिस्सा खालसा गोसे मस्जिद से होते हुए कड़दार होते हुए जो है वो बांसपुरान पंजाबी सराय में जाके इकट्ठे होगा, वहाँ मेहंदी का मिलाप होगा। फिर संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में शौर्य दिवस पर प्रशासन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पौड़ी जिले के विधायक राजकुमार पौरी ने शिरकत की। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं की ओर से देशभक्ति से संबंधित कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं कार्यक्रम में कारगिल शहीदों के परिजनों, सेनानियों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। कारगिल युद्ध का हिस्सा रहे रिटायर सूबेदार बकुल रावत ने कारगिल युद्ध की आंखों देखी घटना सुनाई, जिससे माहौल देशभक्तिमय हो गया। वहीं विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथियों ने पुरस्कृत किया। इसके लिए आप सबको जोरदार सेना के स्वागत के लिए जोरदार काम से करें। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों से लगातार मॉनसून सीजन हो या फिर सामान्य मौसम में पुलों के टूटने का सिलसिला जारी है। हाल ही में कोटद्वार के मालन नदी पर बना पुल के चलते ट्रैफिक के बीच धराशायी हो गया। इस पुल टूटने की वजह से सियासत गर्म हुई है, तो विभाग एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने पर लगा है। नदियों में हो रहे अवैध खनन पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल देहरादून को ऋषिकेश से जोड़ने वाला मुख्य रानी पोखरी पुल भी भरे ट्रैफिक में टूट गया था, जिससे कई लोगों की जान पर बनाई थी। यही नहीं, भारी बरसात की वजह से रायपुर क्षेत्र में पड़ने वाला सोडा सरोली का पुल भी मॉनसून सीजन में टूट गया। नदियों में किस तरह से खनन पुलों के लिए दुश्मन बन रहा है और क्यों खनन करने वाले लोग इन पुलों के दुश्मन बने हुए हैं, देखिए ऐसे जर्जर हो चुके पुल की ग्राउंड रिपोर्ट। दिक्कत आता है, इधर तो जाने नहीं जाता है, उधर ही जाता हूँ हम लोग। पानी भर जाता है, नदी का पानी जो जोर से बारिश आता है, इसमें पानी दिक्कत हो जाता है हम लोग को जाने में।
हम लोग ऊपर से ही जाते हैं। देखिए पुल सारे पुलों को जैसे मैंने आपसे कहा सेफ्टी ऑडिट ऑलरेडी कराया गया है, 75 की रिपोर्ट आ चुकी है हमारे पास, तो कहीं भी ऐसी स्थिति होगी तो उसको स्ट्रेंथन करने का काम, जो और प्रोटेक्शन के काम किए जाने वो किए जाएंगे। खनन के लिए भी जैसे मैं आपको बताऊं तो हर एक पुल के 100 मीटर अपस्ट्रीम और 100 मीटर डाउनस्ट्रीम में प्रतिबंधित रहता है, लेकिन कई बार क्योंकि फोर्स तो पूरे जगह पर नहीं हो सकता है, हर जगह पर नहीं लगा सकते हैं, तो कई बार ये शिकायत आती है कि जो लोग रेगुलर खनन के लोग हैं जिनके पट्टे, वो लोग भी 100 मीटर का वो नहीं मानते हुए कहीं आगे भी कर देते हैं। तो अगर ऐसी कहीं पर स्थिति मिलेगी तो उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं कहां खड़ा हूं, मैं आपको बता दूं कि मैं देहरादून की रिस्पना नदी पर खड़ा हूं और रिस्पना नदी के ऊपर ये जो पुल बना है ये धोरन गांव का पुल है जो आईटी पार्क को देहरादून शहर से जोड़ता है और हजारों और लाखों की तादाद में लोग यहां से आवाजाही करते हैं, चाहे गाड़ियों के माध्यम से करें या फिर पैदल आवाजाही करें, और या फिर यूं कहें कि आधे देहरादून को ये मुख्य शहर से जोड़ने वाला ये एकमात्र पुल है जहां से लोगों की आवाजाही होती है। कि जिस तरीके से बरसात अपने उफान पर है उस तरीके को देखकर लग सकता है कि कभी भी बरसात के आगे ऐसे पुल भी धराशायी हो सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जरा वो इस पुल को दिखाएं नीचे से कि किस तरीके से इस पुल में अब सरिया नजर आने लगे हैं और कौन वो महाशय ठेकेदार होंगे जिन महाशय ठेकेदार ने इस पुल को अंजाम दिया होगा, लेकिन जो अफसरान हैं अफसरानों ने कभी भी इस पुल के नीचे झांकने की कोशिश नहीं की। यहां के हमारे जो सूत्र हैं उन सूत्रों ने हमें ये खबर दी है कि रात के वक्त इस बरसात में भी यहां पर चोरी छुपे खनन ट्रक और ट्रॉलियों के माध्यम से किया जाता है और यकीन मानिए यहीं पर कुछ दूरी पर थाना है, तो विभाग के अधिकारियों को यह समझना होगा, ये सोचना होगा कि अगर अभी भी इस पुल पर किसी तरह की कोई कार्रवाई ढंग से नहीं की गई या इसकी मरम्मत अभी ठीक से नहीं करवाई गई तो हादसा होना तय है। देहरादून से एवन टीवी के लिए कैमरा पर्सन आजाद के साथ कैलाश बिस्ट। देहरादून में नगर निगम की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है जिसके लिए निगम ने एक टीम बनाई है, शहर में लगातार इसको लेकर कार्रवाई की गई है। वहीं महापौर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि निगम की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए कपड़े के थैले भी बांटे जा रहे हैं। हालांकि शहर में अभी तक पॉलिथीन पूर्ण रूप से बंद नहीं हुई है, अभी भी बाजारों और सब्जी मंडियों में पॉलिथीन का उपयोग लोग कर रहे हैं जिसको लेकर निगम चालान काट रहा है। इन पॉलिथीन से बहुत से दुष्परिणाम हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील किया और कहा कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें। हल्द्वानी पुलिस ने अंकित चौहान हत्याकांड में फरार सभी आरोपितों को 10 दिन में गिरफ्तार कर लिया है। उसके नौकर नौकरानी को बंगाल के मालदा जिले से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि दोनों हत्या आरोपितों को बंगाल के स्थानीय कोर्ट में पेश कर पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर हासिल कर लिया है। उन्हें पूछताछ के लिए हल्द्वानी लाया गया है। उषा देवी और आपका राम अवतार जो दोनों फरार थे इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इनको आपका रतवा थाना पड़ता है मालदा में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ से गिरफ्तार किया गया, ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। इसमें जब पूछताछ में ये चीज़ निकल के आई है कि घटना के फौरन बाद ये पाँचों के पाँचों पहले दिल्ली से वापस बस से बरेली आए, बरेली से। उत्तराखंड क्रांति दल में हुई टूट के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार माना है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस व भाजपा के हाथों में खेल रहा है। कार्यकर्ताओं ने यूकेडी को मजबूत करने के लिए सड़कों पर संघर्ष किया है। आगे उठना था, उसकी तरफ जनता जब आंखें देख रही है, आंखें बढ़ा के देख रही है कि ये कुछ करेंगे, और हम कर क्या रहे हैं, हम अपने एक छोटे से कार्यालय पे कब्जा करने के लिए दो गुट आपस में लड़ रहे हैं और लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। मैं बड़ा बड़ा शोभ होता है कि क्या हमने इस दल को कहाँ पहुँचा दिया है। ये दल वो दल है जिसने उत्तराखंड के राज्य के गठन के लिए आगे बढ़कर लड़ाई करी है। चुनावों को जिस प्रकार से नकार रहे हैं उसके कारण एक हमारी जनता में बड़ा रोष व्याप्त है और उनका झुकाव कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ हो रहा था। लेकिन देखिए परिस्थिति ऐसी बनती जा रही है, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है हमारी जनता को। सहकारी बैंक अध्यक्ष ललित लटवाल ने जिला सहकारी बैंक एपेक्स एकमुक्त समाधान योजना के तहत ब्याज माफ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा व बागेश्वर में 1450 मृतक बकायेदारों का ब्याज माफ किया है।
नटवाल ने कहा कि खेती किसानी व पशुपालन के लिए कर्ज लेने वाले कई किसानों की मौत हो चुकी है। ऐसे में मृतक के परिजनों की परेशानी को देखते हुए इस योजना के तहत ब्याज माफ किया गया है। आज पहली बार बहुत सौभाग्य का विषय है कि देश की आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने एक ऐसा बहुप्रतीक्षित कार्य किया है जिसका सीधा सीधा फायदा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलेगा। पहली बार जो उन किसानों ने ऋण लिया था और वो उनकी मृत्यु हो गई और उनके पारिवारिक जन उस ऋण को अदा नहीं कर पा रहे थे, तो उनके 100% ब्याज को माफ करने का काम